हेलो दोस्तों, आप सभी का राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ईवी इंडिया 2021 एक्सपो, जो ऑटो एक्सपो शो होता है वहाँ पे हम आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं हम अंदर, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी नई नई आपको व्हीकल देखने को मिलने वाली है आने वाले 2022 में। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, एंट्री गेट यहाँ आपके सामने है। तो दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले आपने, अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड है तो आपको वहाँ पर शो करना होगा, जहाँ से देख सकते हैं। अगर आपके पास विजिटिंग कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म फिलिंग का एक बोर्ड लगा होगा। तो ये फॉर्म फिलिंग का बोर्ड लगेगा, उसमें आपको कुछ डिटेल्स देने हैं और आपको फिर जाना है ऑन साइट रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद आपको एक इस तरह का पास मिल जाता है, उसके बाद एंट्री का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो चलिए, हमारा काम तो हो गया, तो अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ है। और आने से पहले बाहर में जो कबीरा मोबिलिटी का है उनका टेस्ट ड्राइव दिया जा रहा है टेस्ट राइड के लिए, तो वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू आपको आपके चैनल पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर चलेंगे तो काफ़ी सारे हैं। तो अब जो आपको वीडियो मिलने वाला, कंटिन्यू आपको एक एक टॉपिक पे एक एक नया नया व्हीकल है जो वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पे और चैनल पे सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं। तो अभी चलते हैं मंदिर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चल रहे हैं 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर को। तो अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा हो जाता है एंट्री का गेट, और इस साइड में कुछ इस तरीके से नाम देगा एंट्री में। तो इस तरीके से कुछ देखने में है और काफ़ी सारे लोग। तो यहाँ पे कुछ मॉडल खड़ी हुई है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्रैंड ईवी के काफ़ी सारे मॉडल है, तो यहाँ पे मैरिज और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आप खुद भीड़ देख सकते हैं। तो भीड़ इतना ज़्यादा है और ये देखने में कुछ खास है, क्योंकि इसमें जो है ये डीआरएल टाइप का बनाया गया है। आप यही कह रहे हो, इसीलिए कह रहे हैं, उसकी डिटेल्स बता सकते हैं क्या? अरे इस फिल्म में ये लग रहा है टीवीएस सेंटर को जैसा इसका लुक दिया गया है। डीआरएल भी देखने को मिल जाता है। ये आपका जो ग्रैंड ईवी में ही काफ़ी सारे मॉडल हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ब्लैक वाला, एक वाइट में है, वहाँ भी ब्लैक में, एक जो अलग अलग मॉडल है जो आपको आने वाले साल में देखने को मिल जाएगा। 2022 से इसको आप रोड पे देख सकते हैं, मतलब काफ़ी सारा इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जी सर, डिटेल्स कुछ बता दीजिए इसमें क्या डिटेल्स जानना चाह रहे हैं आप? तो क्या कुछ है वो तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो आप बताइए क्या रेंज वगैरह मिलता है, क्या कुछ है? इसमें मोटर 1000 वाट है, कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग लगता है, टायर 10 इंची है, LED लाइट है डबल, वायरिंग 10 स्क्वायर mm है, और इसमें आपका चेसिस का जो वेट है 19.5 kg है, ये इसमें डिटेल है, और बाकी मीटर है डिजिटल इसका। अच्छा, तो इसमें ये अलग अलग मॉडल है? नहीं, अलग अलग मॉडल है सारे, ये डबल लाइट में हमारे पास 2 मॉडल है, एक ये मॉडल है, वो खड़ा हुआ है। अच्छा, इसका प्राइस कितना तक हो सकता है? प्राइस इसका आएगा 54 ऑन रोड एक्स रूम। और सब अलग अलग मॉडल है? सब अलग। और रेंज इसका कितना बताया?
रेंज 80 किलोमीटर। 80 तो जैसे अभी ओला चल रहा है, तो ओला के हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें क्या खासियत लगता है? अगर ओला चल रहा है, ओला के हिसाब से क्या है, ओला वाले तो अपनी बैटरी को आप 150 किलोमीटर चलाना चाहते हैं तो बैटरी चेंज हो जाती है, लिथियम बैटरी वो चेंज हो जाएगी बैटरी। जैसे पेट्रोल बैटरी है, हाँ, तो बैटरी मतलब उसके अंदर सेट के अंदर उसके अंदर सेट हो जाएगी, डबल बैटरी आप लगा सकते हैं। ओला वाले भी डबल बैटरी दे रहे हैं, 80 किलोमीटर को डबल कर दो 160 हो गया, 150 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, दो बैटरी। तो 100 रूम में जब ये बाइक डिलीवर हो जाए उस टाइम में एक बैटरी के साथ आप लोग देते हैं या दो बैटरी? नहीं, हम तो एक ही बैटरी के साथ देते हैं। एक एक्सटर्नल लगा सकते हैं, वो प्राइस कॉस्टिंग बढ़ जाती है ना। अच्छा, कॉस्टिंग बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाकी देखने में काफ़ी खूबसूरत है। TVS Ntorq में जैसा कि लुक दिया गया इससे मिलता जुलता इसका लुक थोड़ा सा लग रहा है। TVS Ntorq में इसी तरह का लुक आता है, DRL और LED, तो उसी तरह का आपको देखने में मिलता है जो कि प्रीमियम क्वालिटी का आपको देखने में मिलता है। और LED में ही आपको इंडिकेटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और आने कब तक लॉन्च होने का उम्मीद है? ये तो चल रहे ऑलरेडी, लॉन्च हो चुके हैं। हाँ, तो चल रहे हैं मार्केट। ठीक है, गियर भी ये रियर भी होता है क्या, बैक भी होता है? हाँ जी, हाँ जी। मोड्स में मतलब क्या चीज़, इको और फर्स्ट मोड? तीन मोड है ना? हाँ जी, क्या फर्स्ट पे लो होता है, सेकंड पे और 24 मिनट इसकी 63 है। 63 63। और ये बैटरी का पावर दिखा रहा है ना? ठीक है, तो ये सीट एक बार खोल के दिखा सकते हैं। एक बैटरी आता है इसकी ना? हाँ जी, बैटरी इसके अंदर आती है, अभी ये लॉक हो रहा है। इसके अंदर भी है क्या? हाँ। और ये क्या चीज़, स्पेस दिया गया? हाँ। कितना का लीटर का है? 15-20 लीटर का है। ठीक है, ब्रांड ही भी नाम है ना ब्रांड का? हाँ जी। तो यहाँ पे ईवी का ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें कलर और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, और फुली डिजिटल है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मोड वगैरह दिया गया, रिवर्स करने का भी ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप स्पीड वगैरह देख सकते हैं, रिवर्स वगैरह सब कुछ फुली डिजिटल। ठीक है, रेंज, गियर, इंडिकेटर, आरपीएम वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। इसका लुक कुछ इस तरीके से निकलता है, तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलता है, और उस वाले मॉडल में आपको LED लाइट देखने को मिलता है। एक बार इंडिकेटर ऑन कीजिए, बल्ब में भी आपको इंडिकेटर देखने को मिलना है, और यहाँ पे आपको DRL में इसका लुक कुछ इस तरीके से, और फ्रंट में इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे बैटरी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा।